दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अपने हेयर को कलर करने के लिए। तो एक निशा मेहंदी मिलता है ब्लैक कलर, मैं लेके जा आ रहा हूँ दुकान से, ठीक है। तो और इसको लगाएंगी मेरी मैडम मेरे हेयर में। चलो पहले हम लोग दुकान से निशा मेहंदी लाते हैं, उसके बाद से हम लोग छत पर जाके और इसमें बाल में कलर कराते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने देखो हेयर कट करा के आया हूँ मैं, और बीएड भी सेट करा के आया हूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलो हम लोग मेहंदी लेके आते हैं अभी दुकान से खरीद के। अभी मैं आज गांव में हूँ, संडे है, ठीक है। तो ये अभी मैं आ रहा हूँ चौराहे से, ये मेरी बाइक देख सकते हो आप लोग यो। और ये मेरा गाँव का जो लुक है ना, एकदम सुना सुना लगता है, गाँव में लगता ही नहीं कि कोई है। चलो चलते हैं मीसा, पता नहीं कितने का मिलता है, 10-20 रुपये का मिलता है। वही आप दुकान पे कराओगे ना तो आपका 100-200-300 रुपये लग जाता। मैं तो बॉडी बॉडी सैल्यू नहीं मैं कराता हूँ, लेकिन आज करते हूँ, सोचा मैं आज करा दूँ। और मैं आ गया हूँ दुकान पे अमित भाई के। निशा मेहंदी है जी, अब दूसरे दुकान पे जाना पड़ेगा मुझे, पूछ के आता हूँ कि निशा मेहंदी नहीं है। ले अरे हमारे निशा में ब्लैक में दी ना, वो करिया नहीं है, अशोक को मिलेगा भाई। जिसको मिठाई खोवा खाना है वो जो गोल्डन सरोवर पर, अगर दूसरे दुकान पे नहीं मिलेगा तो हमें जाना पड़ेगा चौराहा, थोड़ा सा छोटा सा वहाँ पे। तो चलो देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यार देखो दूसरे दुकान पे आया मैं अपने गांव के, यहाँ पे निशा मेहंदी जो है दे दीजिएगा। कितने का है? 10 रुपए का है, ले लीजिए। थोड़ा सा कुरकुरा दे दीजिए ना, कुछ 5 का, इसको खाने के लिए बिस्कुट वगैरह 5 का दे दीजिए। यार ये पिल्ला है, जब मैं आता हूँ बाहर ना तो ये मेरे को ये जानती है, कुछ ना कुछ मैं खिलाऊंगा, इसीलिए मेरे पीछे रहती है। इसको अभी हम खिलाएंगे बिस्किट। आ जाओ खिला देता हूँ बेचारी, इसको भी भूख लगा होगा। लो चलो खा रही है, ऊपर से खा लो जल्दी जल्दी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। यार बच्चों को भी खिलाना जरूरी होता है। चलो रखता हूँ, यही मैं आया था लेने के लिए, निशा मेहंदी ब्लैक कलर का है ना, अब इसको लगाऊंगा अपने हेयर में और ये ब्लैक हो जाएगा। अभी मेरा बाल जो है ना हल्का हल्का पक गया। ये देखो निशा मेहंदी और हम लोग, हमारी मैडम लगाएंगी और मम्मी लगाएंगी। चलो ऊपर लेके बहुत तेज हवा चल रहा है, आगवा का जो पटरा है ना वो छत पे वो गिर गया है। तो हम लोग चलते हैं छत पे। ये देखो हमारी मैडम ने कितना रूम घुमा दिया, ये देख सकते हो। अभी हम लोग छत पे जाने वाले हैं, छत पे ही लगेगा, मतलब मेरा मेहंदी, अरे बाप रे, मेहंदी नहीं है ब्लैक कलर होता है, मतलब मैं कभी ब्लैक कलर कराता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन करा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बाल है ना थोड़ा सा पक गया, वाइट हो गया है, इसी की वजह से। तो फाइनली उसको खोल के मिला दी मेहंदी को,
देख सकती हो मेरी क्यूट वाइफ आ रही है। बाल मेरा कैसा कटा है? दाढ़ी का मतलब डाई लगने वाला है ब्लैक कलर का। मैं लगवाता नहीं हूँ कभी, सैलून पे ही लगवाता हूँ। चरपाई बिछाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये देखो जो मैंने कलर लेके आया ना, इसको घोल दी और पानी नहीं डाल देती। इतना गाढ़ा रहेगा। देख रहे ना भाई, डैमेज ना हो। कहीं ना कहीं ले लीजिए लगाने के लिए, तुम ही लगाओगे। देखो मैं मैडम लगाने वाली है कलर, नहीं तो मैं दुकान पर लगवाता। क्यों हो तो मैं सोचा कि क्यों पैसा खर्च किया जाए, क्यों सही बात है नहीं? हाँ बोलो। हाँ हो एक बिहारी सौ पे भारी। थोड़ा सा और पानी से चाह रहा है। नहीं हम नहीं जाएंगे, पर नीचे से ऊपर यार दौड़ाना दौड़ाती रहती है, अपने खुद नहीं जाएगी। जाओ तुम ही लेके आओ, हम नहीं जाएंगे। और लगा देना इसमें, खराब नहीं होना चाहिए मेरे बाल। देखो पता नहीं खराब होगा कि क्या होगा भाई, हम जानते नहीं हैं। तभी से ताड़ी बहुत भीड़ था। अरे देखो गाइस कैसे लगा रही है यार, मेरे को अजीब लग रहा है। बस थोड़ी लगाओ, कहाँ लगाई बताओ, अकेले से लगाया पूरा। हम को ही लगा, अम्मी को कहना बुला लियो। इतना मतलब इतना नहीं लगाना है कुछ। देखो हमने सामने रखा हुआ है, पता चलेगा खराब हो जाएगा तब क्या होगा, इसीलिए थोड़ा सा। ये देखो कितना तेज आंधी आ रहा है, देख रहे हो जी। छत पे हम लोग बैठे हैं, ये सारा बांस हमारे छत के ऊपर आ रहा है। ये देखो, ये देखो भाई साहब, ये तो आंधी आ रहा है। ये क्या है ना, होली का समय चल रहा है अभी। होली के समय में ऐसे हवा चलेगा बहुत बेकार लगता है मुझे। सब खेती हो रहा है ये इधर गन्ने का भाई। ये मेरा डिश देख, इसमें ना और पानी इनको डालो। देखो इतना डाल लगाने के बाद से नहीं आऊंगा। मुझे प्यास लगा है भाई। मैं सबसे अच्छा चेयर रहता हूँ। ये देख सकते हो भाई लोग, ये मेरी वाइफ को कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये मेरी मोम लगा रही है बाल में। फाइनली गाइस मेरा ये लग गया है सारा डाई, और अम्मी ने लगाया है। मेरे आप वाइफ को तो कुछ आता ही नहीं है लगता है, कुछ वो सीखी ही नहीं अपने घर पे, तो अम्मी ने लगा दिया है। और इसको मैं अभी नहा वहाँ के कलर धोऊंगा, थोड़ा ब्लैक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और छत पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे काफ़ी धूप लग रहा है बहुत तेज, और हवा भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको कंघी से गा दो। देखो इतना जल्दी सूख भी गया ना, आराम से कितना।